For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. मैं जो हूँ वो है और वो जो है वो मैं हूँ, समझे? अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो जिन आँखों से ये वीडियो देख रहे हो ना, गोटियाँ खेलूँगी आँखें निकाल के। ये डायलॉग्स कुछ फेमिलियर नहीं लग रहे आप लोगों को? सुने सुने डायलॉग्स है ना, मैं ज्योति हूँ और मार्क इधर है, मैं ही ज्योति हूँ। अरे अंदाज अपना अपना। यस, हेलो गाइज एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक और मैं ही ज्योति नाहक हूँ, कोई और डुप्लीकेट नहीं है मेरा जिसको मार्क लगा हो। मैं ही तेजा हूँ और मैं ही ज्योति नाहक हूँ। वेल, मैं अंदाज अपना अपना के डायलॉग्स क्यों बोल रही हूँ और मैं अंदाज अपना अपना की बातें क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्द आपके पास लेकर आई हूँ ये हैप्पी हैप्पी सी न्यूज़ कि अंदाज अपना अपना का सीक्वल फाइनली शुरू हो चुका है। यस बहुत टाइम से गाइज इस फिल्म के लिए र्यूमर्स आ रहे थे यार कि इसका सीक्वल कब बनेगा, कब सीक्वल आने वाला है, आने वाला भी है या नहीं आने वाला है। ऐसी भी कहानियाँ आ रही थी, र्यूमर्स आ रहे थे कि इस फिल्म को जो है सलमान खान और आमिर खान दोनों एक साथ वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, क्योंकि तब जब ये न्यू कमर्स हुआ करते थे, तब जब ये बहुत स्टार्टिंग के करियर फेज की बात थी। अब लेकिन ये दोनों ही अपनी अपनी जगह पे मेगा स्टार्स बन चुके हैं। इन दो मेगा खान्स को एक साथ लाकर अंदाज अपना अपना बनाना इज नॉट दैट अ बिग डील, अगर स्क्रिप्ट अच्छी हो और कंटेंट अच्छा हो तो आजकल कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर उसके अलावा मैं बात करूँ दोस्तों, थोड़ी बात करते हैं अंदाज अपना अपना पुराने की, उसके बाद मैं आपको सीक्वल की इन्फॉर्मेशन दूंगी। उसके लिए जुड़े रहिए वीडियो के साथ और सब्सक्राइब कीजिए पहले यहाँ पे। चलिए बात करती हूँ अंदाज अपना अपना की। जब ये फिल्म आई थी, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर, सलमान खान, आमिर खान, ये चारों ही सुपर्ब एक्टर्स इस फिल्म में थे। और जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी तब उतनी ज़्यादा ये फिल्म हिट नहीं हुई थी, लेकिन अल्ट्रा कंपनी, यस अल्ट्रा टैग जब इस फिल्म के साथ जुड़ गया, उन्होंने जब इसकी DVDs बाय की, काफ़ी सारे अदर प्रोडक्शंस ने फिर इसकी DVD राइट्स बाय किए, और फिर जो ये फिल्म आग लगाई है वो आज तक फिल्म जो है टेलीविजन पर जब भी आती है लोग फैमिलीज के साथ बैठकर इस फिल्म को देखते हैं। और इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट कल्ट कॉमेडी क्लासिक बन चुकी है फिल्म। जी हाँ, लोग बहुत पसंद करते हैं इस फिल्म को और उतने ही चाव से आज भी ये फिल्म देखी जाती है। लेकिन अब जब इसका सीक्वल आएगा तो एक्साइटमेंट उसकी चार गुना ज़्यादा हो चुकी है। वेल, ऐसे र्यूमर्स हैं कि ये जो फिल्म आने वाली है, इसके जो ओरिजिनल राइटर थे इस फिल्म के, यानी कि दिलीप शुक्ला, जी हाँ दिलीप शुक्ला ने इसका ओरिजिनल लिखा था, यानी कि अंदाज अपना अपना लिखी थी उन्होंने। कहीं ना कहीं बहुत सारी फिल्म्स लिखी हैं जिसकी अगर मैं बात करना चाहूँ, दबंग फ्रेंचाइज के भी राइटर हैं वही। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ दामिनी जैसी फिल्म, बहुत सारी फिल्में हैं जिनके वो राइटर रह चुके हैं और वही इस फिल्म को लिखने वाले हैं। यस, इस फिल्म की लिखाई को भी शुरू करने का उनको कह दिया गया है कि वो इस फिल्म की भी लिखाई चालू कर दें एनी हाउ, और ये फिल्म जो है वो दोबारा ज़रूर बनेगी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि बहुत रूमर्स ऐसे आ रहे थे कि अंदाज अपना अपना का सीक्वल जब बनेगा कौन से दो न्यू एक्टर्स इसमें नज़र आएंगे, वरुण धवन होंगे, कभी ऐसी खबर आई कि वरुण और रणवीर सिंह है, कभी ऐसी खबर आई कि रणबीर कपूर और रणवीर सिंह एक साथ नज़र आने वाले हैं। खैर, र्यूमर्स तो बहुत सारे हैं इस चीज़ को लेकर, लेकिन यहाँ पर कन्फर्मेशन ये है कि दिलीप शुक्ला ने खुद ये बात कही है अपने, एक तरीके से आप ऑफिशियल कन्फर्मेशन मान सकते हैं इस बात को, उन्होंने खुद इस बात को अग्री किया है और कहा है कि वो सलमान खान और आमिर खान को दिमाग में रखकर ही इस फिल्म की तैयारी शुरू कर रहे हैं, इस फिल्म की लिखाई शुरू कर रहे हैं। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि उन दोनों को दिमाग में रखकर इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी रिवील किया कि ये जो फिल्म होने वाली है वो पिछली वाली से भी चार गुना ज़्यादा अट्रैक्टिव और फुल ऑफ रोमांस होनी चाहिए ताकि ऑडियंस और ज़्यादा अट्रैक्ट करे, बिकॉज अब जो है ऑडियंस थोड़ा ज़्यादा की डिमांड करती है। जहाँ एक तरफ कबीर सिंह जो है वो 250 करोड़ तक पहुँच गई है बिकॉज ऑफ अ गुड स्टोरी, बिकॉज ऑफ अ गुड एक्टिंग, बिकॉज ऑफ अ गुड कॉन्टेंट, तो अंदाज अपना अपना को भी डेफिनेटली बहुत और आगे जाना है। बहुत अच्छी फिल्म तो है ही अंदाज अपना अपना, लेकिन सीक्वल के लिए ऑडियंस बेसब्री से वेट कर रही है, मैं बेसब्री से वेट कर रही हूँ। लेकिन इसके साथ साथ एक और रिवोल्यूशन है, और वो रिवोल्यूशन क्या है, सलमान आमिर के अलावा तीन और न्यू कास्ट इसमें ऐड होगी, तीन और न्यू एक्टर्स इसमें ऐड होंगे। वो कौन होंगे, इसके लिए तलाश अभी जारी है, इसके लिए तलाश अभी शुरू की जाएगी। लेकिन हाँ, जबकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इस फिल्म को लेकर आउट हो चुकी है, तो डेफिनेटली फिल्म बहुत अच्छी होने वाली है, इसका इंतज़ार तो दिल थाम के ज़रूर कीजिए। लेकिन इतनी सारी बातें मैंने बताई, उसके बदले मुझे क्या मिलेगा?
मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए और व्यूज़ चाहिए और लाइक्स चाहिए जो कि आप लोग करेंगे. सो कमेंट सेक्शन में जाओ, मुझे बताओ अंदाज़ अपना अपना सीक्वल के बारे में, कितने एक्साइटेड हो और आपको क्या लगता है सीक्वल में कौन से दो एक्टर्स परफेक्ट लगेंगे. जल्दी बताओ मुझे वीडियो के नीचे जाके, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल मूवीज अड्डा को. मैं हूँ ज्योति नाहा, साइनिंग ऑफ.